गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें हमने लाइफ प्रोसेस का जो फर्स्ट था न्यूट्रिशन वो ऑब्जर्व किया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो है सेकेंड लाइफ प्रोसेस, दैट इज रेस्पिरेशन। आइए देखें हम रेस्पिरेशन है क्या। एक्चुअली हम कई बार कंफ्यूज रहते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में। आइए पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेशन है क्या। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो इंक्लूड करता है एक ब्रीदिंग और एक सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस, एक भौतिक क्रिया है जिसमें हम श्वास को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। मतलब जो ऑक्सीजन युक्त वायु है उसे अंदर लेने की और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे हम श्वास कहते हैं या ब्रीदिंग कहते हैं। अब होता क्या है, जो हम ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों में ले रहे हैं, लंग्स में ले रहे हैं, होता क्या है, ये ऑक्सीजन युक्त वायु आखिर उपयोग में कहाँ आती है? असल में इसका उपयोग जो ग्लूकोस न्यूट्रिशन प्रोसेस में जो ग्लूकोस एब्जॉर्ब हो गया है सेल के द्वारा, उस ग्लूकोस का ऑक्सीकरण करना, उस ग्लूकोस का ऑक्सीडेशन करना, ये ऑक्सीजन का वहां प्रयोग होता है। उसको हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब द रेस्पिरेशन द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इनसाइड द सेल। तो हम बात करते हैं जो रेस्पिरेशन प्रक्रिया है वो दो चरणों में हो रही है। पहला एक भौतिक फिजिकल, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग या श्वास, और दूसरा एक बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोसेस, जैव रासायनिक प्रक्रिया, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन का नाम देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है। हमने देखा कि जब न्यूट्रिशन के वक्त जो ग्लूकोज रिलीज हुआ है उसका ब्रेकडाउन होना है टू गिव एनर्जी। एक्चुअली ये प्रोसेस जो कोशिका के साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये भी दो चरणों में संपन्न होता है, मतलब टेक प्लेस इन टू स्टेप्स। जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरेट, मतलब छह कार्बन मॉलिक्यूल, ग्लूकोज क्या है, छह कार्बन मॉलिक्यूल है, उसका ब्रेकडाउन हो जाना इनटू थ्री कार्बन पायरेट। मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है हमें दो पायरेट के मॉलिक्यूल प्रदान करता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लाइकोलिसिस, और ये ग्लाइकोलिसिस जो प्रक्रिया है वो साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट क्या होता है, जो पायरेट है थ्री कार्बन कंपाउंड, ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं में तीन प्रकार से ये कार्य करता है, क्रिया करता है। पहला जो है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ये पायरेट ब्रेकडाउन करता है आगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसको हम वायवी श्वसन का नाम देते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार के श्वसन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवी श्वसन का नाम देते हैं। दूसरा होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यही पायरेट अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडित होता है, किसमें विखंडित होता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, उस प्रक्रम को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं या अवायवी श्वसन। तो हमने देखा कि अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको हमने वायवी श्वसन का नाम दिया, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो उसको अवायवी श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन का नाम दिया। एनएरोबिक रेस्पिरेशन या अवायवी श्वसन में हमने देखा जो एंड प्रोडक्ट है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अब हम देख रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि एनर्जी यहां पे भी रिलीज हो रही है, एनर्जी यहां पे भी रिलीज हो रही है। यहां जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी मात्रा अधिक है, 38 एटीपी ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड,
वेयर इज इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब भाई इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, 2 ATP मतलब बहुत कम ऊर्जा विमुक्त हो रही है इस प्रोग्राम में। तो यह सबसे बड़ा अंतर है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। तीसरा हमने देखा लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में। आइए उदाहरण देखें कि ये अपर्याप्त मात्रा ऑक्सीजन की कब उपलब्ध होती है। हमने देखा कि जब हम कठिन परिश्रम करते हैं, सपोज हम कहते हैं कि अचानक हमने देखा कि किसी को हम मोटिवेट हो गए, किसी की बॉडी देख के हम जिम चले गए। अब जिम जाके हमने वहां पे बहुत रिग्रस एक्सरसाइज, कठिन व्यायाम एक दिन पहले दिन कर लिया, तो हम क्या महसूस करते हैं, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो जकड़ जाती हैं, इसको हम फटीग कहते हैं। ये कारण क्या है? अब हमने देखा कि जब हम कठिन व्यायाम करते हैं या हम रिग्रस एक्सरसाइज करते हैं, तो उस वक्त हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति जो होती है वो कम हो जाती है। मतलब जितनी ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं में चाहिए होती है, वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो हम कह सकते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। उस समय हमने देखा मसल सेल्स में क्या होने लग जाता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना शुरू हो जाता है। मतलब जब पायोरेट अपर्याप्त मात्रा, ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में जब विखंडित होता है, तो हमें लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज होती है। हमारे मसल सेल्स में एक्युमुलेट या इकट्ठा हो जाता है और यही फैटीग का कारण बनता है। अक्सर हमने देखा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मालिश कर लो या पानी का स्नान कर लो, या हमने देखा 2-3 दिन बाद अगर हम आराम करते हैं तो ये जकड़न अपने आप निकल जाती है। होता क्या है, ये लैक्टिक एसिड जो मसल सेल्स में इकट्ठा हो गया है, एक्युमुलेट कर गया, वो धीरे धीरे क्या है, या तो जब मालिश कर रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और वो लैक्टिक एसिड क्या है, मसल सेल्स में जो इकट्ठा हो गया वो जल्दी रिमूव हो जाएगा। गर्म पानी का भी यही काम होता है, समय के साथ या 3-4 दिन बाद ये अपने आप ही आराम आ जाता है। कारण क्या होता है कि वो धीरे धीरे जो लैक्टिक एसिड डिपॉजिट कर गया है वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है और हमारी मांसपेशियां नॉर्मल स्थिति में आ जाती है। तो आइए एक छोटा सा एक रीकैप लें। हमने देखा कि रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के वक्त होता क्या है, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायोरेट, इस चरण को हमने ग्लाइकोलिसिस का नाम दिया। ये कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में। आगे ये जो पायोरेट है 3 तरीके से विखंडित होता है, ब्रेक डाउन होता है पायोरेट का। पहला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हमने वायवी श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम दिया। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जिसको हमने एनएरोबिक या अवायवी श्वसन का नाम दिया। और तीसरा ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में। तीनों में हम देख रहे हैं कि जो अंत उत्पाद है, जो हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं, वो डिफरेंट है। तो कई बार हमें डिफरेंस के फॉर्म में, तीनों का डिफरेंस के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, पौधों में रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है। याद कीजिए हमने पहले चैप्टर में स्टोमेटा या रंध्र की बात की थी, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र जिसके द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, और साथ ही साथ वाष्पोत्सर्जन मतलब ट्रांसपिरेशन, जिसमें एक्सेस वाटर इन्हीं स्टोमेटा या रंध्र के द्वारा बाहर त्याग दिए जाते हैं। तो हमने देखा कि प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड, जिसको हमने विसरण कहा, मतलब एक सरल विसरण तकनीक द्वारा आदान प्रदान होता है। हमने देखा जो वायुमंडल में है ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जबकि अंदर कोशिकाओं में, स्टोमेटा की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। विसरण क्या है, डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, अधिक सांद्रता वाले स्थान से अणुओं का निम्न सांद्रता वाले स्थान
पर गमन करने की जो प्रक्रिया है उसे हम विसरण कहते हैं। अब हमने देखा स्टोमेटा के द्वारा हमने गैसों का आदान प्रदान हुआ ड्यूरिंग डे टाइम। हमने देखा दिन के समय, या पहले हम रात की बात करते हैं, रात के समय CO2 इज रिलीज्ड एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड अप। दिन के समय पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन का प्रयोग करता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर देता है। यह प्रक्रिया हो रही होती है मनुष्य में भी कि ऑक्सीजन हम यूज कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। लेकिन पौधों में दिन के समय थोड़ी प्रक्रिया में परिवर्तन आता है। दिन के समय पौधे क्या करते हैं कि CO2 इज नॉट रिलीज एंड इट इज यूज बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसको हम एक कंपनसेशन पॉइंट भी कहते हैं। क्या है यह कंपनसेशन पॉइंट? दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तो विमुक्त करते हैं, रिलीज तो करते हैं, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में ही उपयोग कर लेता है। तो दिन के समय में जो ऑक्सीजन क्या है, यूज्ड अप हो जाती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उसी वक्त यूज हो जाती है। अब रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, जंतुओं में किस प्रकार की रेस्पिरेशन होती है? हमने देखा हर एक जीव में रेस्पिरेशन करने के लिए या ब्रीदिंग करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमने देखा मनुष्य में लंग्स होते हैं, फिशेज में गिल्स होते हैं, और इंसेक्ट्स में ट्रैकिया, मतलब ह्यूमंस में क्या होते हैं, फुफ्फुस, क्या बोलते हैं उनको, फुफ्फुस लंग्स, फिशेज में गलफड़े और इंसेक्ट्स में ट्रैकिया, वात रंध्र के रूप में हमें देखते हैं। अब देखा गया है कि जो चाहे ह्यूमंस के लंग्स हो, फिशेज में गिल्स हो या इंसेक्ट्स में ट्रैकिया हो, इनमें जो तीन चीजें, तीन बातें विशेष जो है समान होती है, कोई भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है उनमें तीन ऐसी चीजें, ऐसी बातें हैं जो समान होती है। पहला जो है, कोई भी हमारा हो, चाहे लंग्स हो, चाहे गिल्स हो, चाहे ट्रैकिया हो, पहला करैक्टर है कि लार्ज सरफेस एरिया फॉर इजी डिफ्यूजन। पहला करैक्टर क्या हो गया कि उसका बृहद क्षेत्रफल कि आसानी से गैसों का आदान प्रदान हो, मतलब लंग्स का एरिया ज्यादा होगा तो आसानी से गैसें आदान प्रदान करेंगी, साथ साथ वो जो सरफेस है वो थिन और डेलिकेट होनी चाहिए, मतलब जितनी थिन और डेलिकेट बारीक होगी झिल्ली उतनी ही आसानी से गैसों का विसरण हो पाएगा। तीसरी बात, जैसे कि ये स्ट्रक्चर बहुत डेलिकेट होते हैं, बड़े नाजुक होते हैं, तो जैसे हमारे लंग्स बहुत नाजुक हैं, तो क्या है हमारे वक्ष, मतलब जो रिब्स हैं, रिब्स के अंदर जो थोरैक्स है उसके अंदर प्रोटेक्टेड है। अब भाई जब ये हमारे लंग्स अंदर है तो वायु अंदर ले जाने के लिए कोई एक पैसेज तो होना चाहिए, तो हमने देखा एज दी स्ट्रक्चर्स आर डेलिकेट सो नीड टू बी प्रोटेक्टेड इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर इनको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, सो हैव अ पैसेज टू टेक एयर इन। ये पैसेज हमारा क्या है, नॉस्ट्रिल हो गया, जो पैसेज के रूप में एयर को इन करता है। तो हर एक एनिमल्स में ऐसा कोई पैसेज होगा जिसके द्वारा एयर को ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर सके। एक और करेक्टरिस्टिक्स बड़ा कॉमन है कि डिफ्यूजन के लिए, मतलब जो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, दे आर रिचली सप्लाई बाय ब्लड कैपिलरीज। इनकी जो सरफेस है इनमें रक्त धानियां या जो केशिकाएं हैं पूरी फैली होती हैं, जो आसानी से ऑक्सीजन को वहां से उठाकर शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है, और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स की सरफेस पे लाने का कार्य करती हैं। तो चार करेक्टरिस्टिक्स हो गए, पहला हो गया लार्ज सरफेस एरिया, बृहद क्षेत्रफल, दूसरा थिन एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन, उनकी जो सतह होती है वो नाजुक होती है आसानी से गैसों का विसरण करने के लिए, तीसरा ये जो ऑर्गन से डेलिकेट होते हैं इसलिए शरीर के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं, इसलिए उनके ऑक्सीजन को या एयर को इन एंड आउट करने के लिए एक पैसेज चाहिए, और चौथा ये सरफेसेस काफी
कैपलरीज से कवर्ड होती हैं, ब्लड कैपलरीज चारों तरफ से घेर के रखती हैं, जिसके कारण गैसों को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। उसके बाद हमने देखा कि ये देखा गया जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो जलीय जीव है जैसे मछलियां हैं, उनमें रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या है, बहुत फास्ट होती है। कभी मछलियों को श्वास लेते हुए देखा है एक्वेरियम में, बहुत जल्दी जल्दी श्वास लेती हैं। जबकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है, जो जमीन पर रहने वाले हैं, उनमें रेट ऑफ ब्रीदिंग एज कंपेयर उनसे धीमी होती है। इसका यह कारण होता है कि जो परसेंटेज ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, मतलब जो प्रतिशत ऑक्सीजन का जो जल में प्रतिशत है, वो कंपेरेटिवली वायु से बहुत कम होता है। हम जानते हैं वायु में कितने परसेंट ऑक्सीजन होती है, 21%, जो एयर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें ऑक्सीजन होती है, वायु में खाली 2% ऑक्सीजन होती है। तो अब उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए ब्रीदिंग क्या करनी पड़ेगी, बहुत फास्ट करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे देखा द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज मच फास्टर इन एक्वेटिक एनिमल्स देन लैंड एनिमल्स, मतलब जो जलीय जीव हैं उनमें श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा बहुत तीव्र होती है। कारण पूछा जाता है क्योंकि जल में ऑक्सीजन का प्रतिशत वायु से काफी कम होता है। इसी के साथ आज का चैप्टर यही समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे। एक बात और, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ये वीडियोस जो है लगातार मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।